हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं बीपीएससी 44वां का प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री का ओनली। तो इसमें 35 क्वेश्चन है दोस्तों। 35 क्वेश्चन किस प्रकार का था उसे देखते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है ना मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, सब आपके सामने है दोस्तों आंसर क्वेश्चन सब। तो ये आपका देखिए आंसर होगा ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी है ना। पुरापाषाण युग पैलोलिथिक एज, नवपाषाण युग को नियोलिथिक बोलते हैं, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज बोलते हैं, लौह युग को आयरन युग भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। नंदवंश का महाप्रतापी शासक घनानंद यूनानी शासक और विश्व विजेता सिकंदर महान के समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। तो ये मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश होना चाहिए ना, ठीक है। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, वैदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा, रीति रिवाजों का स्वीकृति। तो आत्मदमन, तो ध्यान देना है जैन धर्म में अहिंसा व्रत का कड़ाई से पालन करने का प्रावधान है, जबकि बौद्ध धर्म इसके प्रति उदार है। बौद्ध धर्म आत्मदमन में विश्वास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिम्बिसार, अजात शत्रु, ठीक ये अजात शत्रु छूट गया है, उदयन। तो निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये तो उदयन ही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर मगध के हरियक वंशी, ठीक है, राजा उदयन या उदयभद्र 460 से 444 ईसा पूर्व ने की थी तथा अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर यहाँ स्थापित कर दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर, बौद्ध गया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में स्थित सत्पर्णी गुहा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में ही बौद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सुतपिटक एवं विनय पिटक में संग्रहित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया शासकों से मिलने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान के दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से चला जाऊंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला फिर बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह, ठीक है, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बन गया। आइए 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह। आंसर होगा फिरोज तुगलक, ध्यान रखना है फिरोज तुगलक। इस पे हम लिख ही रहे हैं कि याद रहे, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 1200 फलों के बाग लगवाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो ये तो है सिकंदर लोदी ने राजपूत शासक पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के आस्थान पर आगरा को वर्ष 1504 में राजधानी बनाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो आंसर होगा 1853 में। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई बीटी से थाने तक चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी में। तो 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो ये आंसर यही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत बनाया, तो ये 1936 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जॉर्ज या चाइल्ड। 1612 ईस्वी में अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट ने सूरत के समीप स्वाली या सौली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया था, तो ये थॉमस वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। क्या है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ऑप्शन बी होगा सही। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में ए ला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो ऑप्शन बी होगा 1786 का एक्ट। 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई तथा विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। आंसर होगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। क्या है भारत ये नेता लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। साइमन कमीशन 1927 की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल प्रथम में नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नेहरू जी। तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी, तो ये दादा भाई नेहरू जी। क्या होगा निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और एक चीज़ है, स्वराज की मांग भी किया गया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? होमी चंद, मनिक चंद, राय दुर्लभ, सिताब राय। तो निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये ऑप्शन डी होगा, सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव के समय कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए 2 नायाब दीवान, एक बिहार के लिए राजा सिताब राय को और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा को। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। ये क्वेश्चन आते रहता है और ऐसे भी प्रीवियस ही देख रहे हैं।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजी गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, सी है अकबर द्वितीय, डी है बहादुर शाह द्वितीय। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। 1772 ईस्वी मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस लौटा। तो आंसर है शाह आलम द्वितीय। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजी गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसे व्यक्तिक सत्याग्रह का उद्देश्य अहिंसक कार्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करना था। बाद में इस आंदोलन का नाम ही दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, चलिए। तो पहला विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं। किसके दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड चेक था? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो आंसर होगा महात्मा गांधी। क्रिस्प प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और किसी अन्य व्यक्ति ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसे बैंक पर जो बैंक जो टूट रहा हो, मतलब कि बिखरने वाला हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1940-42, कब? तो 1942 में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति में पारित किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दांडी यात्रा की गई 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये किया गया था 1930 में। हमेशा पूछा जाता रहता है दोस्तों। आइए देखते हैं। सच्चिदानंद, ठीक है ना, सच्चिदानंद नहीं सच्चिदानंद, किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इनमें से किसी के साथ नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना। तो ये तीनों में से किसी से जुड़े हुए पर्सनली नहीं थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। तो ये पटना में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में की गई। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। तो ध्यान देना है, आचार्य नरेंद्र देव थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, और सचिव की बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम गीत को लिखा था, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन का आदर्श वाक्य बन गया था और स्वतंत्रता के उपरांत इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी बाल गंगाधर तिलक का है और ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एएयूएम ने, महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारी एओ ह्यूम में ह्यूम ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, 1909 में, 1906 में, 1919 में। तो बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में, बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में, ये पूछा जाता रहता है दोस्तों किस समय, अक्टूबर 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ऑप्शन सी पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला भवन में संपन्न हुआ था। और ये कांग्रेस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसके अधिवेशन से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बीएमएस चंद्र बनर्जी ने किया था। इधर रोज के आप देख रहे होंगे कि जो मैं प्रीवियस लेकर आ रहा हूँ कांग्रेस से रिलेटेड एक रहता है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित थी, ठीक है, गरम दल और नरम दल। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के नरम दल ये नेता थे, जबकि तिलक, मदन लाल और उधम सिंह उग्रपंथी नेता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, लंदन से, मास्को से, वाशिंगटन से, टोक्यो से। तो 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद जब गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन से भारत वापस आए, तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। तो आंसर ऑप्शन ए होगा, लंदन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में, 1935 में, 1942 में, 1919 में। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ऑप्शन ए 1931 में। गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1920 में, 1930 में, 1917 में, ये 1921 में। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ तो 1920 ही माना जाता है, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। तो इस प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन पूरा हो गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे हैं, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।